नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों आज का दिन है 10 अक्टूबर 2022 का, तो शनिवार और रविवार दो दिन अवकाश के बाद में आज सोमवार को मंडी चालू है। आवकों की स्थिति जो मंडी के अंदर आज की देखने को मिली है वो आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। दोस्तों सभी जिनसों लहसुन की जो आवक मंडी के अंदर दो दिन अवकाश के बाद में जो आई है उसकी स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जानकारी आपको जो बता रहा हूँ सोमवार का दिन है 10 अक्टूबर 2022 का। दोस्तों जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना की मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं आज की आवकों की स्थिति की। तो दोस्तों सबसे पहले लहसुन की जानकारी मैं आपको बताऊं तो लहसुन में भी आवक जो है पूरी तरह से फुल हो चुकी है। मंडी का गेट लगा है, लगभग 50 से 60 वाहन हमें मंडी के पीछे वाले गेट पर अभी प्रतीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों सभी जिनसों की स्थिति की कि बाकी जो जिनसे हैं गेहूं, चना, मेथी, अलसी, सोयाबीन, सभी जिनसों में आज की आवक की रिपोर्ट हमें किस प्रकार से देखने को मिली है। तो दोस्तों अभी जो स्थिति बन रही है, लगभग जो रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ 11:45 तक की रिपोर्ट आप सभी किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों अब जो भी किसान भाई मंडी के लिए निकलता है उसको सोयाबीन हो चाहे कोई भी जिन्स हो, आपको बाहर प्रतीक्षा में वेट करना पड़ेगा। अभी जस्ट फिलहाल की कंडीशन में मंडी का गेट लग चुका है। जो भी किसान भाई सोयाबीन अगर लेकर आना चाहता है तो मैं आपको जानकारी प्रदान करूं, दोस्तों सोयाबीन में भी गेट आज लग गया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो जानकारी प्रदान कर रहा हूं ताकि आपको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। दोस्तों एक बार रिपोर्ट सुनिएगा, लहसुन में भी गेट लगा है, 50 से 60 वन प्रतीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। बाकी सोयाबीन में भी गेट मंडी का अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में लग चुका है और जो वाहनों की स्थिति हमें देखने को मिले कोई इक्का दुक्का 5-1 वाहन हमें देखने को मिल रहे हैं मंडी के आगे वाले गेट पर। यह स्थिति दोस्तों सुबह के 11:45 तक की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। जो भी किसान भाई मंडी के लिए निकले तो इस अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी किसान भाइयों को पूरी जानकारी जरूर मिल सके। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक आप यहाँ की जानकारी जरूर शेयर कीजिए। यह रही पूरी आवकों की रिपोर्ट जो कि दलोदा मंडी के अंदर सभी जिनसों की हमें देखने को मिली है। भाई 4 बजे तक।